ओम शांति। बाबा की महावाक्य रिवाइज्ड कोर्स है 11 अप्रैल 1986 का। वाणी का सार है, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। सबको श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। हम सभी अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने बाबा के पास आए हैं, तो आज बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर कैसे बने, उसकी युक्तियाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हमारी तकदीर कैसी लग रही है, हमारे तकदीर की तस्वीर कैसी है हर बच्चे की बाबा देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हरेक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। हमारी तकदीर का जो तस्वीर है, तकदीर का जो स्वरूप है, उसकी झलक सबकी अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। तो तस्वीर पर निर्भर होता है, कोई तस्वीर ना, तस्वीर बनाने वाला एक ही है, उसी की रचना है सारी तस्वीरें, लेकिन कोई तस्वीर उसकी हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य है और कोई तस्वीर उसी की साधारण भी है। ऐसे ही बाबा हम हरेक की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं कि सबकी झलक कैसी है, सबकी झलक अपनी अपनी है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तकदीर की तस्वीर का अर्थ क्या है? हमारी तकदीर जो हमारी प्रैक्टिकल जीवन में नज़र आती है, उसे बाबा देख रहे हैं। बाबा ने भाग्य दिए हैं, लेकिन वो भाग्य हमारी जीवन में कितने नज़र आते हैं, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी की को तकदीर बांटी है, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। तो बाबा भी आज खास क्या देख रहे हैं कि बाबा ने जो तकदीर हमें दी है, जिससे हमारे नयनों में वो झलक होनी चाहिए और हमारे चेहरे पर वो मुस्कुराहट आनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कैसी नज़र आ रही है। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, पर उपकारी दृष्टि। नयन कैसे होने चाहिए?
हमारी दृष्टि नैन, हमारी तस्वीर के नैन देखना माना बाबा हमारी दृष्टि को देख रहे हैं। क्या हमारी दृष्टि रूहानी है, विश्व कल्याणी है? क्या हमारी दृष्टि रहम दिल की दृष्टि है और पर उपकारी दृष्टि है? अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, ये है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। तो चेहरे की चमक में विशेष क्या विशेषता होनी चाहिए? संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है, जो आत्मा प्रसन्नता और संतुष्टता से भरपूर है उसके चेहरे पर रूहानी मुस्कान होती है, संतुष्टता की झलक होती है। तो बाबा कहते हैं ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा रही हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। बाबा ने कहा ना, जैसे तस्वीर बनाने वाला एक ही होता है, कलम भी एक ही है ना, सामान भी एक ही है, बाबा ने भी सामग्री सारी एक ही दी है, लेकिन तस्वीर तैयार अलग अलग हुई है, क्योंकि उस सामग्री को लेकर बाबा ने भाग्य बनाने की जो विधियाँ दी, उस तकदीर बनाने की विधियों को लेकर सबने जो तस्वीर तैयार की है उसमें रूहानियत की झलक, संतुष्टता की और प्रसन्नता की झलक वो कितनी है, वो सबकी नंबरवार है, अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है, वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। बाबा ने हर एक बच्चे को कलम रूप में तकदीर बनाने के लिए क्या दिया है? श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, क्या याद रखना है और क्या करना है। स्मृति कैसी रहे, किस तरह की श्रेष्ठ स्मृतियों में आत्मा अपने आप को स्थित करे, और कैसे कर्म हम करें, कर्म अकर्म विकर्म की गति का बाबा ने ज्ञान दिया और बाबा ने श्रेष्ठ कर्म कैसे करने हैं वो समझाया। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, तो बाबा ने श्रेष्ठ कर्म का भी ज्ञान दिया और श्रेष्ठ संकल्प या श्रेष्ठ स्मृतियों का भी ज्ञान दिया। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है, कलम मिली है, अब उस कलम को किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं, उससे कैसी रचना कर रहे हैं, कैसे संकल्पों की रचना कर रहे हैं, कैसे कर्मों की रचना कर रहे हैं, वो हर एक बना रहे हैं, हर एक की अपनी रचना है, और उस अनुसार जो तस्वीर तैयार हो रही है, जिस तस्वीर में नयन और मुस्कुराहट या चेहरे की झलक, फलक, रौनक वो सब अलग अलग हैं, बाबा कहते हैं वो जिस प्रकार का कलम को इस्तेमाल किया जा रहा है उस प्रकार का चेहरा तैयार हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है,
नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। तस्वीर का फ्रेम तो बन गया है, अब उसमें संपूर्णता की टचिंग देने की बारी है। बाप समान बनने की। डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। मूल्य का आधार भी बाबा ने बता दिया। अब अपना मूल्य सभी आंक सकते हैं कि मेरी तकदीर की तस्वीर कहाँ तक मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। बाबा कहते हैं अभी फिनिशिंग टच देते जाओ, देखते जाओ और संपूर्णता लाते जाओ। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही। विश्व की आत्माओं से कंपेयर करें तो हाँ, हर एक का भाग्य बहुत अच्छा ऊंचा है, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, ये चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देखकर खुश होना है। क्या करना है भाई, सबको नंबर आगे लेना है या आगे वालों को देखकर खुश होना है, या आगे वालों को देखकर खुश नहीं होना है ऐसा? तो बाबा कहते देख देख कर खुश होना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आगे वाले को देखकर खुश नहीं होना है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित होकर चलो। स्वयं पीछे रहें, किसी को आगे भेजकर सिर्फ उसके आगे जाने में खुश नहीं, हम भी साथ चले उनके, उनको भी देखकर खुश हो और अपनी उन्नति को देखकर भी खुश हो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को ही कहते हैं परउपकारी। बाबा ने कहा ना, दृष्टि में परउपकारी दृष्टि है कि नहीं, इससे तस्वीर का मूल्य देखा जा रहा है। तो परउपकारी दृष्टि माना क्या, वो बाबा व्याख्या दे रहे हैं। बाबा कहते इसी को ही कहते परउपकारी दृष्टि। किसे? स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। ये परउपकारी बनना, ये कैसे बने, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। स्वार्थ भाव से मुक्त रहना, है ना, मैं भी आगे बढ़ूँ, सब आगे बढ़े, यह है परउपकारी। मैं आगे बढ़ूँ, कोई ना बढ़े, ये स्वार्थ भाव। स्व के अर्थ दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ने की भावना, या मुझे क्या मिल रहा है, मैं कितना बढ़ रही हूँ, दूसरे का छोड़ो, मेरी बात करो, यह स्वार्थ। बाबा कहते स्वार्थ भाव से मुक्त बनना ही परोपकारी बनना है। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परउपकारी होगा। जितना निस्वार्थपन होगा, अब इसकी चेकिंग करो, है ना,
हम अपने संस्कारों को हम देख पाते हैं ना? मान लो कोई कार्य संगठन में किया, किसी ने उस कार्य की प्रशंसा की, बोला इन्होंने बहुत अच्छा ये कार्य किया, तो अंदर क्या चलता है? क्या मैंने अच्छा नहीं किया? तो ये क्या है, हर परिस्थिति में अपने विचार चलना, मैंने किया कि नहीं, मेरी प्रशंसा हुई कि नहीं, मुझे देखा कि नहीं, मुझे आगे रखा कि नहीं। और जब ये भाव नहीं रहता तो कार्य की संपन्नता, कार्य की संपूर्णता मेरी अपनी एप्रिसिएशन से बड़ी है। जब ये रहता तो माना परोपकारी दृष्टि, इसमें सब आगे बढ़ जाते। और जहाँ ये रहता मेरी मेरी प्रशंसा हुई कि नहीं, मेरे मुझे फायदा हुआ कि नहीं, मुझे आगे रखा कि नहीं, मुझे मान मिला कि नहीं, तो वहाँ फिर दूसरों के प्रति रहता कि ये पीछे जाए, मैं आगे रहूँ। लेकिन जैसे ही रहता कि कार्य अच्छा हो, सब आगे बढ़े, तो उसमें फिर सबका कल्याण समाया हुआ होता, अपनी भी उन्नति होती और सबकी उन्नति होती। तो बाबा कहते हर परिस्थिति में, हर कार्य में, सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, अपनी इच्छा, नाम मान शान की, पहचान की ये इच्छा नहीं है तो फिर परोपकारी है, सबकी उसमें उन्नति होती। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला, अब बाबा का कार्य वृद्धि को पाए, यही एक लगन है। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को लास्ट देखा समय में, लास्ट समय देखा, स्थिति में उपराम और परोपकार ये विशेषता सदा देखी, उपराम और परोपकार, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। बाबा ने सदा बच्चों की महिमा की, कार्य हुआ, कार्य की सफलता हुई, बच्चों को आगे रखा, बच्चों ने किया, कहा कोई वस्तु भी अपने प्रति चाहिए नहीं, इतने स्थान बने, इतने बड़े बड़े मकान बने, नए बने, बाबा उसी पुरानी झोपड़ी में रहे। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, स्थूल में भी पहले बच्चे, सूक्ष्म में भी पहले बच्चे, इसको कहते परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। बाबा ने कहा ना, तस्वीर तो बन गई, अब संपूर्णता की फिनिशिंग टच तो वो कैसे दे, परोपकारी बनना, यह है संपूर्णता की निशानी। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरलीधर माना मुरली का स्वरूप बनना, मुरली का स्वरूप बन जाएंगे तो जैसे मुरली है ना, मुरली सुनने वाला नाचता है, तो जो खुद ही मुरली का स्वरूप हो जाए उसका मन कैसे नाचेगा, और उसके संपर्क में भी जो आए वो भी नाचने लगेंगे। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं, तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे, उसका कड़ा स्वभाव संस्कार भी हमारे संबंध संपर्क में आने से बदल जाए।
वो अपने कड़े स्वभाव संस्कारों के वश जो कड़वेपन कठिलेपन का अनुभव कर रहा था, असंतुष्टता का अनुभव कर रहा था, वो भी खत्म हो जाए, उसका भी मन नाचने लगे, हर्षित बना दे। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बने। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जो मुरली की हर बच्चे प्रति जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, वो प्रैक्टिकल में दिखाना। मुरलीधर बाबा की जो आशा है, जो मुरली में बाबा व्यक्त करते कि हम बच्चों के प्रति जो बाबा की शुभ आशा है, उसको प्रैक्टिकल में लाना, यही है मुरली से प्यार और मुरलीधर से प्यार का सबूत। प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, ऐसा प्यार है मुरलीधर बाबा से कि बाबा जो भी शुभ आशा हम बच्चों के प्रति रखते, उन्हें हम पूरा कर कर दिखाएं। बनना ही है, अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे, करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है, कल्प की बाजी है ना, अभी जीते तो कल्प कल्प जीतेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिविजन में आना है, ये दृढ़ता धरनी धारण करनी है। दृढ़ता असंभव को संभव कर देती है ना, तो दृढ़ता रखनी है। मुझे पक्का मास्टर मुरलीधर बनना है। ये बातें बाबा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते तस्वीर तो तैयार हो गई, अब संपूर्ण बनना है। संपूर्ण बनने के लिए पहले परोपकारी बनना है और दूसरा पूरा मास्टर मुरलीधर बनना है, पक्का मास्टर मुरलीधर। ऐसा मास्टर मुरलीधर जो हमारे सम्मुख जो आत्मा आए वो भी अपने स्वभाव संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हो, नाचने लगे। तो बाबा कहते हैं, कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, लकीर के ऊपर लकीर खींचना। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लकीर के ऊपर लकीर खिंचवाते हैं, अ लिखा होगा उस पर फिर पेंसिल से लिखवाते हैं। वो तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं? जो बाप ने किया बाबा के कदम पर कदम रख रहे हैं, जो कल्प कल्प किया है वही रिपीट कर रहे हैं। ये क्या मुश्किल है, केवल स्मृति रखनी होती। बाबा ने कहा ना, बाबा ने श्रेष्ठ स्मृति का और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दिया है। तो श्रेष्ठ स्मृति दिला रहे हैं बाबा कि कोई नई बात कर रहे हैं क्या? लकीर पर लकीर लगा रहे हैं, जो हमने हर कल्प किया है वही रिपीट कर रहे हैं, जो हमारे पहले बाबा कर कर दिखाए वही कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो, जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है, हर बार कर्म करने पर फल मिलेगा, ये हिसाब है, इसीलिए किए हुए कर्म रिपीट कर रहे हो। हर कल्प यही कर्म करते हैं हम, तो रिपीट क्यों करना हो रहा है? क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है।
बाकी नई बात क्या है, ये तो बहुत पुरानी बात है, हुई पड़ी है। गुलजार दादी जी को जब भी कुछ भी पूछते, कोई भी बात बताते, कहते दादी कैसा है ये प्लान, तो दादी कहती तो हुआ पड़ा है, कल्प कल्प हुआ है। कितनी श्रेष्ठ स्मृति है ये, बाबा हमें कलम देते हैं ना, श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम। इस श्रेष्ठ स्मृति की कलम से हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भाग्य बना रहे हैं, अपनी तकदीर की तस्वीर खींच रहे हैं। बाबा कहते ये है अटल निश्चय कि सब कुछ हुआ पड़ा है, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूरत कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं, होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं। बच्चे बाबा के घर जाते तो होस्ट बनकर मिलते हैं बाबा, और बाबा परमधाम से गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा, ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम बाबा गेस्ट बने, ये तो कल्प में एक ही बार होता। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वो थैंक्स देते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की, बाबा मधुबन में होस्ट भी हैं और फिर क्योंकि शिव बाबा बैठे हैं तो बाबा गेस्ट भी हैं, तो गेस्ट की तरह थैंक्स भी दे रहे हैं। जैसे चीफ गेस्ट थैंक यू कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया, ऐसे बाबा कहते मैं गेस्ट बनकर मुबारक भी दे रहा हूँ और होस्ट बनकर इशारे भी देता हूँ कि बच्चे जब पधारे तो कैसे क्या करना है, वो होस्ट बनकर तय करता हूँ और गेस्ट बनकर बच्चों को मुबारक भी दे रहा हूँ। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सब को गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको है? निमित दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। सीजन पूरी हुई बाबा मिलन की, वर्ष की, उस वर्ष की, तो बाबा मुबारक दे रहे हैं दादियों को, निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। इतनी पार्टियां जाते, इतने बच्चे जाते, हर एक की संपूर्ण खातरी मधुबन निवासी हमारे भाई बहन करते, और वो भी निर्विघ्न। इतना बड़ा कार्य एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह बिना अटके बिना किसी विघ्न के मस्त चलता है, तो बाबा कहते इसकी बाबा मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बनाया तो बच्चे भी, जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आए वो कितने भाग्यशाली हैं। मधुबन निवासियों की बाबा वाह वाह कर रहे हैं कि भगवान मेहमान बनकर आते, और फिर बाबा के घर में हम भी मेहमान बनकर जाते, बाबा भी अपने बच्चों का स्वागत करते, है ना। वैसे तो एक ही घर में निवास करने वाले थे हम सभी,
लेकिन अब बाबा आते तो हम मिल नहीं जाते। जैसे होता है ना, बच्चे बड़े हो जाते तो नौकरी पर चले जाते, कहीं बाहर चले जाते, तो अपने ही घर में भी मेहमान बनकर आते। तो हम बच्चे भी सेवा पर रहते बाहर, और फिर घर जाते हैं तो बाबा हमारा स्वागत करते हैं जैसे कि हम मेहमान हों, और बाबा भी मेहमान बनकर आते तो बच्चे स्वागत करते, खास मधुबन निवास से स्वागत करते। तो बाबा कहते रथ को भी मुबारक है, रथ दादी जी। तो बाबा कहते दादी जी की भी कमाल है, क्योंकि ये पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, ये भी विशेष पाठ है, जिसको सारी दुनिया ऑलमाइटी कहती। उस ऑलमाइटी बाबा को, और फिर ब्रह्मा बाबा भी, बाप दादा को विशेष, दोनों सर्वशक्तिवान बाबा और फिर ब्रह्मा बाबा भी जो संपूर्ण फरिश्ता है, उन दोनों को, इतनी शक्तियों को इतने समय तक धारण कर ये रथ सेवा में लगाना, ये भी कोई कम बात नहीं। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। देखो आज समाने की शक्ति की भी नई परिभाषा समझ, कमजोरियों को समाने की बात करते, लेकिन यह है बाप दादा की शक्तियों को समा कर दादी कैसे ये पाठ बचाती। बाबा कहते ये भी समाने की शक्ति की मुबारक है, और इसका फल हम सबको मिल रहा है। तो हमारी हमारी भी थैंक्स है दादी जी को, जो दादी के इस समाने की शक्ति के फल स्वरूप, इस त्याग तपस्या के फल स्वरूप कि हम बाप दादा से मिले। तो बाबा कहते तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, ये भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में ये भी सेवा का पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही, इसके लिए मुबारक हो, और पद्मा पदम थैंक्स। बाप दादा थैंक्स कह रहे हैं दादी जी को, डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। मधुबन की बगिया में वैरायटी फूल होते, और डबल विदेशी हमारे भाई बहन खास बहुत पूरे साल पैसा जमा कर कर आते और मधुबन की शोभा बढ़ाते। बाबा को बच्चों से भरा आंगन कितना अच्छा लगता। बाबा थैंक्स कह रहे हैं बच्चों को कि तुम मेरे बगिया की शोभा बढ़ाते हो, होस्ट है ना बाबा। बाबा कहते ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, बाबा के सम्मुख मुरली चलते समय तो थोड़े ही बैठे, लेकिन बाबा मुबारक हर एक बच्चे को दे रहे हैं। लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियां भी अच्छी मेहनत करती हैं,
बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रहे, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया, ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वो भी महान है। छोटी छोटी सेवाओं का भी बहुत योगदान है। शास्त्रों में भी हम सुनते कि श्री राम ने गिलहरी को, ना, गिलहरी को बहुत प्यार से उठाया, क्योंकि वो भी अपना सेतु बनाने में योगदान दे रही थी। तो बाबा भी देखो, हर एक छोटे से छोटी सेवाधारी को भी, जो छोटी से छोटी सेवा के भी निमित्त बनते, उनको भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। इसी की तो यादगार हम शास्त्रों में फिर सुनते हैं। बाबा कहते कि हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। बाबा कहते पहुंचे उसकी भी मुबारक। ऐसा होस्ट बनना आता है? हाँ, देखो आज बाबा हमें मेहमान नवाजी भी सिखाते। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बाबा शिक्षा भी देते बच्चों को। हम बच्चे जब भी आते हैं, है ना, बाबा बाबा परमधाम से हम बच्चों के लिए आते हैं, और हम बच्चे भी अन्यों की सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। लेकिन बाबा कहते निमित्त को भी निश्चिंत रखना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। खुद अलर्ट रहें, खुद एक्टिव रहें। देने वाला दे रहा है, हम एक बार में ले तो सकें, अपने अलबेलेपन से उनको एक्स्ट्रा मेहनत ना कराएं। अपनी वस्तुओं को संभालना ये भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। अपनी वस्तुओं को संभालना, अपनी स्थूल सूक्ष्म जिम्मेवारी लेना, बाबा की पालना लेकर शक्तिशाली बनना। ऐसा नहीं अपने अलबेलेपन में दूसरे को ही मेहनत कराते रहे। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल, कम खर्च बाला नशीन। हर कर्म में मेहनत कम फल ज्यादा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, सफल कुछ भी किया, कम खर्च बाला नशीन, कम एफर्ट फल ज्यादा, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज और आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है। ऐसे नहीं आत्मा तो शक्तिशाली है शरीर कैसा भी हो। बाबा कहते सस्टेनेबल ग्रोथ, मेरा शरीर भी आत्मा के साथ तालमेल बिठाकर चल सके। ऐसा नहीं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही शरीर कमजोर होता जा रहा है ना, या एक तरफ पुण्य का खाता बढ़ रहा है, दूसरी तरफ निमित्त को भी तंग करने का बोझ पड़ता जा रहा है ना। तो बाबा कहते हर कर्म में एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ही चीजों का ध्यान नहीं रख रहे, तो फिर वो जो ध्यान नहीं रखा, उस ध्यान को ना रखने के कारण जो परिणाम आए उनको फिर चुक्त करने में बहुत समय जा रहा है। तो बाबा कहते हैं हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है,
शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। बाबा देखो कितने कितनी शिक्षाएं हमें देते, छोटे बच्चे की शिक्षा भी देते, जो छोटे बच्चों को समझनी वो भी देते, बड़ों वाले भी देते, हर प्रकार की बाबा हमें शिक्षा देते, हर प्रकार की पालना देते, कितनी बातों पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते। कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं आत्माएं कितनी श्रृंगारी हुई। बाप को जो बच्चियां समर्पण हो रही हैं, बाबा उनके रूहानी श्रृंगार को देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया, सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? पूछते हैं ना कबूल है कबूल है, तो बाबा कहते मैंने तो सदा के लिए पसंद कर लिया सभी को, आपने भी पक्का पसंद कर लिया ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। वो कैसे रहेंगे? जब इस समय सदा बाप दादा के साथ रहेंगे तब तो 21 जन्म सदा साथ आएंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ऐसा हथियाला बांधा है। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। वो तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती हैं लौकिक में, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाबा का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प, ऐसा संकल्प किया। एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहां वहां का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाबा कहते जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वो विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, और देखो सरकमस्टांस तो बने ना, वो विमान तो सारे कैंसिल हो गए थे, और उस समय फिर बाबा के पास कैसे पहुँचे कि जो 4-5 महीने बीते तो क्या वो विमान नहीं चले तो बाबा के पास नहीं पहुँचे बच्चे? पहुँचे ना। कैसे पहुँचे? बुद्धि रूपी विमान से।
बाबा कहते वो विमान सर्कमस्टेंस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, ये विमान कहीं बुक नहीं करना पड़ता, इसके हम मालिक हैं, बुद्धि रूपी विमान के। सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि की लाइन क्लियर हो तो जब चाहे जहां चाहे पहुंच सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, बाबा के डायरेक्शन क्लियर पहुंचेंगे। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो भी विमान चलता है। सुन लिया, जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो भी विमान चलता है, वो एक्यूरेट टाइम पर लास्ट विमान पर चढ़ जाएंगे, क्योंकि बुद्धि से सिग्नल क्लियर कैच करेंगे। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वो विमान भी नहीं चलता। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है बाबा की, तीन पॉइंट्स से। पहली, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। पार्टियों से बाबा कैसे मिलते थे? बच्चे एक छोटे से ग्रुप में बाबा के सामने, बाप दादा के सम्मुख बैठते और बाबा खास उस ग्रुप के प्रति महावाक्य उच्चारण करते, अपने आप को बिठा दें बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख और ये अनुभव करें बाबा ये महावाक्य मेरे लिए उच्चार रहे हैं, तो बाप दादा क्या कह रहे हैं आज मुझसे? बाप दादा कहते सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा, राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया ना बाबा ने, बाबा ने आया और बताया अरे तुम मालिक हो, ये मालिक बने बैठे, तो अब क्या करनी है, अपनी पावर वापस ले लेनी है। कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने, अभी कर्मेंद्रियों जीत सो कल विश्वराज अधिकारी बनेंगे। अभी राज करने के संस्कार भरने हैं कर्मेंद्रियों पर, है ना, माया पर। जब अभी राज करेंगे तब तो कल राज्य करने के संस्कारों के आधार से विश्व पर राज करेंगे। कुछ भी हो जाए ये टाइटल अपना सदा याद रखना, मैं राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। जो चीज़ अधिकार में होती है वो सहज मिलती है। तो बाबा कहते सफलता अधिकार रूप में मिलती है जब सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है। सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ये फखुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। सर्वशक्तिवान का बल भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिलती है, और फखुर में रहने से फिक्र नहीं होती,
और फकुर क्या रहे, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा। श्रेष्ठ स्मृतियों का खजाना मिल रहा है, इसी से भाग्य बनता है। फकुर नहीं तो फिकर ही फिकर है, तो सदा फकुर में रहे, वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का सर्टिफिकेट। खुद अधिकारी आत्मा है, दूसरों को भी उनके अधिकार की स्मृति दिलानी है ना? मुझे सफलता, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? क्योंकि मुझे सर्वशक्तिवान बाबा का बल है, भरोसा है। और जैसे स्वयं दल तक तनशीन है, उसका फखुर है, तो दूसरों को भी वो फखुर दिलाना है, वो अधिकार दिलाना है। तो बाबा कहते, दूसरी पॉइंट है, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है? धोखे वाली दुनिया से लगाव होगा तो फिर बार बार धोखा मिलेगा। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लेना है। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए ना? दुख देने वाले के साथ लगाव होगा तो हमेशा दुख मिलेगा, धोखा देने वाले के साथ लगाव होगा तो हमेशा धोखा का अनुभव होगा। तो बाबा कहते, सेवा अर्थ कनेक्शन रखना है, लेकिन लगाव नहीं होना चाहिए पुरानी दुनिया से। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। ब्राह्मण जीवन में करना ही क्या है? बाप के कदम पर कदम रखते समान बनते, जैसे बाबा संपन्न है वैसे संपन्न बनते जाना है। बाबा ने भी क्या किया, बुद्धि से एक बाबा का बन गए और पुरानी दुनिया से सिर्फ सेवा अर्थ कनेक्शन रखा। तो हमें भी एक बाबा के कदम पर कदम रखते बाप समान बनते, बाप जैसे संपन्न बन जाना। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो? सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ खुशबूदार गुलाब। इसलिए अपनी खुशबू को और अपने रंग को और अपनी झलक को चेक करते रहना, क्योंकि हम बाबा की बगिया के गुलाब हैं, अविनाशी बगीचे के अविनाशी गुलाब हैं, और हम पर सब आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें अटेंशन होना चाहिए, सदा खिले रहना और सदा खुशबूदार रहने पर। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते। हमारा रंग, हमारी खुशबू
स्वतः ही सेवा करती, स्वतः ही हमें सेवा के निमित्त बना देती। याद की, शक्तियों की, गुणों की ये सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सिकिल अधे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिकिल अधे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज न्यारे और प्यारे बनने का, राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। बाबा ने कहा ना, रहना है पर धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लेना है, बुद्धि से लगा होना, रहते हुए भी सेवा भाव के साथ रहना है। जो ऐसे न्यारे और प्यारे बनने का राज समझ जाते हैं वो स्वयं से स्वयं भी राजी रहते हैं और सब भी उनसे राजी रहते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को, जिनको राज मालूम है, क्या राज मालूम है, कब्रिस्तान है ये, इससे दिल नहीं लगाने, यहाँ सब मरे पड़े हैं, ये राज जिनको मालूम है वो राजी रहते हैं। ऐसे बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उनको राज मालूम है, उनको कोई प्रश्न नहीं आते, प्रश्नों का हल उन्हें मुरली से मिल जाता, बाबा से मिल जाता, हर राज बाबा हमें बता देते। तो ऐसे राज जानने वालों को किसी काजी के पास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। ओम शांति।